नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने वीडियो के लिए एक बढ़िया स्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करें। क्या आपने कभी खुद को किसी डॉक्यूमेंट्री या किसी फिल्म में पूरी तरीके से डूबा हुआ पाया है, जहां पे आपका ध्यान फिल्म के एक एक शब्द पर केंद्रित है और आप खुद से सोचते हैं ये किसकी आवाज है जो इतने बढ़िया तरीके से हमें ये कहानी बता रही है। इस देश में एक ऐसा प्राकृतिक अजूबा है जिसे उसने बनाया है जो इस दुनिया का नहीं है। किसी रहस्य की ही तरह है लोनार झील। इस तरह का जलाशय पूरे भारत में और कहीं नहीं है। तो दोस्तों, ये आवाज होती है एक नारेटर की या एक कथावाचक की, और इनकी खासियत होती है कि वो शब्दों का एक ऐसा ताना बाना बुने कि दर्शक अपनी सीट से बन जाए। लेकिन एक नारेटर क्यों जरूरी है? क्या हम नॉर्मल वीडियो और इंटरव्यू पर निर्भर नहीं रह सकते? बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन एक कथावाचक या एक नारेटर की भूमिका होती है कहानी को बढ़ाना, जटिल विषयों को जोड़कर हमारा मार्गदर्शन करना और महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करना। एक नारेटर एक पूरी कहानी को स्पष्टता प्रदान करते हैं, जो बहुत जरूरी होता है। एक डॉक्यूमेंट्री को जीवंत बनाने के लिए एक नारेटर के पास कुछ कौशल होने चाहिए, जैसे कि वो विषय वस्तु पर सावधानी पूर्वक शोध करते हैं, उस विषय के बारे में एक गहरी समझ हासिल करते हैं, उस कहानी में पूरी तरीके से डूब जाते हैं और अपनी प्रस्तुति से एक भावना, एक सहानुभूति और एक उत्साह दर्शकों में पैदा करते हैं। तो आइए हम जानें कि ये सारे कौशल हम कैसे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन लिखना होगा। इससे व्यूअर्स को आपके डॉक्यूमेंट्री में दिलचस्पी जागृत होगी। इस परिचय में आपने कोशिश करनी चाहिए कि अपने टॉपिक को आप चैलेंज करें या फिर एक एक्साइटिंग क्वेश्चन पूछें। नेक्स्ट लेवल है एक टॉप लेवल का रिसर्च करना। जितनी ज्यादा जानकारी आप इकट्ठी कर पाएंगे, उतनी ही बढ़िया स्क्रिप्ट आप लिख पाएंगे। रिसर्च करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, बुक्स, इंटरव्यूज और इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब जब आपका रिसर्च कंप्लीट हो जाए तो अपने स्क्रिप्ट में एक क्लियर स्ट्रक्चर बनाएं। आप सभी 6 क की प्रक्रिया से वाकिफ है, तो ये सारे जो सवाल है, कौन, कहां, क्यों, कब, कैसे, इन सारे सवालों के जवाब अगर आप एक बहुत दिलचस्प तरीके से लिखेंगे तो एक अच्छी सी स्क्रिप्ट चालू कर पाएंगे। अब जब रिसर्च कंप्लीट हो जाए तो आप एक कहानी की संरचना करेंगे, एक क्लियर स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे कि एक पावरफुल इंट्रोडक्शन के बाद आपके स्क्रिप्ट में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ह्यूमन स्टोरीज इंक्लूड करेंगे। इनसे आपका स्क्रिप्ट ज्यादा एंगेजिंग बनेगा। एक सक्सेसफुल मिनी डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको इंटरव्यूज और कोटेशंस जरूर ऐड करने चाहिए। ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करेंगे, तो आप एक्सपर्ट्स, हिस्टोरियंस, आई विटनेसेस, विक्टिम्स या अन्य रेलेवेंट इंडिविजुअल से इंटरव्यू ले सकते हैं। अपने स्क्रिप्ट में आप विजुअली एंगेजिंग आंकड़े और उदाहरणों का भी इस्तेमाल करें। विजुअल स्टोरी टेलिंग हमारे ऑडियंस को ज्यादा समझने में मदद करती है। फोटोज, वीडियोस, मैप्स, आंकड़े, एनिमेशन और म्यूजिक के इस्तेमाल से आप अपने वीडियो को बढ़िया बना सकते हैं। एक अच्छी स्क्रिप्ट के लिए अपनी इन्फॉर्मेशन को आप एक लॉजिकल और तार्किक रूप से अरेंज करें। एक बढ़िया फ्लो आपके व्यूअर्स का ध्यान बनाएगा और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन को समझने में मदद करेगा। और आखिरी स्टेप है स्क्रिप्ट की पॉलिशिंग, यानी कि इसे ठीक करके फाइनल करना। स्क्रिप्ट को पढ़े, इसे रिवाइज करे और उसमें कोई भी त्रुटि या गलतियां है तो उसे सही करें। एक प्रभावशाली अंतिम लाइन लिखकर अपने दर्शकों को इंस्पायर करें। तो दोस्तों, फिर भी अगर आपको स्क्रिप्ट लिखने में दिक्कत होती है तो इंटरनेट पर आजकल ढेर सारे ऐसे AI टूल्स आ गए हैं जिससे आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया टूल है क्योंकि इससे आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक स्क्रिप्ट मिल जाती है जिसको आप अपने हिसाब से बदल कर उसको पर्सनलाइज कर सकते हैं। ऐसे कुछ AI वेबसाइट्स है ChatGPT और video.com। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सत्र एक बढ़िया स्क्रिप्ट लिखने के बारे में। हम आशा करते हैं कि ये आपके लिए मददगार साबित होगा। धन्यवाद आज के सत्र में जुड़ने के लिए। हम मिलेंगे अगले सत्र में।